तो जयपुर से खबर है जहां पर बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ये एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या फिर कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें। अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक ही करें। राजस्थान में प्रदेश बीजेपी बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है, क्या प्रदेश बीजेपी का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। ये सवाल किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए। प्रदेश की विपक्ष पर सवाल का किया है। सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, एक तरफ तो जो है बीजेपी की तरफ से बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट की तैयारी है आज, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत की तरफ से निशाना जो साधा गया है, लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई विकल्प ढूंढा जाए ताकि लोग परेशान ना हो। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, इसके क्या मायने हैं ये भी बताइए। देखिए, ट्वीट के मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं कि केवल राजस्थान में बिजली संकट नहीं है, देश भर का बिजली संकट है। अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, और ऐसे में एक तरफ तो लोगों से अपील की है सीएम ने कि वो बिजली बचाएं, उपयोग करते समय सावधानी बरतें, अनावश्यक यूज ना करें, और दूसरे में उन्होंने जिस तरीके से भाजपा मुखर है, हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है, तो सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनका खामियाजा राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। तो एक सवाल आप बीजेपी वाले जो है वो केंद्र सरकार से भी पूछिए कि क्यों आखिर व्यवस्था बिगड़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस कोल ब्लॉक को लेकर सीएम की मीटिंग हुई थी उसमें प्रोसीजर अभी चल रहा है, वहां से कोयला आना शुरू नहीं हुआ है, और ये देश भर का संकट है। इसके इसी मुद्दे को लेकर सीएम आज बैठक भी करने वाले हैं 12 बजे के आसपास, और सभी जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त उस बैठक में शामिल होंगे। पानी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, बिजली पानी खासतौर पे पेयजल भी आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी बनने वाला है राजस्थान में गर्मी के मौसम में। और 4 दिनों के बाद जब सीएम वापस लौटे कल रात को, तो आज वो चाहेंगे कि एक तरीके से सभी जो बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर संभागीय आयुक्त या सीएमओ के अधिकारी, उनसे संवाद करके और ऑल ओवर एक फीडबैक भी जो है वो लिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सुशांत फिलहाल तक की जानकारी के लिए। जलाओ करो करें।